तो गाइस पहले चलते हैं धरोहर, उसके बाद चलेंगे ज्योति सर और धरोहर कृष्ण म्यूजियम भी जाएगा। पूरा कुरुक्षेत्र घूमेंगे आज। आज फुल प्लान है। बेचारा बीच में बैठा हुआ है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बेचारा। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जाएंगे कुरुक्षेत्र घूमने, हमारे साथ है विशाल। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम चले सब कुछ बंद कर देते हैं यार। चल रहा है, पॉज है। हम लोग निकलने वाले हैं कुरुक्षेत्र घूमने के लिए, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो अब एंड होने वाला है, तो कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो अभी सोचे कि घूम लेते हैं कुरुक्षेत्र भी, क्योंकि आने के बाद से प्लेसमेंट वगैरह का प्रेशर भी था। और बहुत सारे प्लेसेस हैं, ज्योति सर, कृष्ण म्यूजियम। तो गाइस पहले चलते हैं धरोहर, उसके बाद चलेंगे ज्योति सर और धरोहर कृष्ण म्यूजियम भी जाएगा। पूरा कुरुक्षेत्र घूमेंगे आज। आज फुल प्लान है। क्योंकि इसके बाद यार हो सकता है 6 महीने बाद आना पड़े। कितना किलोमीटर है धरोहर? 5 किलोमीटर होगा आई थिंक। पूरा कुरुक्षेत्र ही 5 किलोमीटर के रेडियस पे है, तो सब कुछ अगल बगल में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगा, 10 साइकिल चला लेंगे। और तो बेसिकली हमारा एंड हो रहा है सेमेस्टर, और जो MCA वाले हैं वो सब जा रहे हैं, जिनका प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन हो रहा है वो निकल रहे हैं। ये गाइज हमारा NIT मार्केट, जो भी सामान है आप यहाँ से ले सकते हो, गद्दे वद्दे जो भी है, बाल्टी। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ। यहाँ पे आपको ATM भी मिल जाएगा SBI का। और ये हमारा लेफ्ट साइड में हमारा कॉलेज है। बस है, बस बस गिर जाएगा। ये हमारा ग्राउंड है, जो भी आपको गेम खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, आप यहाँ पे आइए, रनिंग भी कर सकते हो। भैया आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिलेगा यार यहाँ पे, और गर्ल्स हॉस्टल भी यहीं पे है, ठीक है, घूम सकते हो, और अपनी जीवन साथियों को भी ढूंढ सकते हो।
तो 12th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं क्या शिक्षा में? राइट क्रॉस कर ले, यही है सरोवर की। फाइनली गाइस सरोवर आ गई, ठीक है। क्या चल रहा है? एंटर करते हैं धरोहर में यार। यहाँ पे आई कार्ड दिखाना पड़ता है ना। ये देखो कुआं, क्या है अंदर में कुछ है क्या? अरे उसका डेप्थ देखो कितना कम है। ये हमारे टिकट, दो टिकट है इसमें, दो लिखा क्या है 30 रुपए, तो टोटल 60 है, ठीक है। आपको 60 रुपए देना पड़ता है एंट्री के लिए। दानी संजना दान दिया है पैसा, ये तो बकवास है। आ जा इधर। अरे वाह, वाइस चांसलर है। देखो फाउंडेशन स्टोन, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन नहीं है। देखो हमारे सैनिक, ये सब ब्रिगेडियर्स एंड सोल्जर्स हैं। सब ये पूरा सूट है एक सोल्जर का, देख रहे हो गाइस। अगर आप भी सोल्जर बनोगे तो आपको ये सब मिलेगा, मेडल मिलेगा। देख रहे हो मेडल यहाँ पे राइट साइड, मेडल देख रहे हो गाइस, मेडल देख रहे हो। मेजर लेफ्टिनेंट बनते हैं, कैप्टन और मेजर। टाइप्स ऑफ तलवार्स, तलवार के टाइप देखो। सेना मेडल मिलेगा जो मेडल्स परसों मेडल दिसंबर 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 किन किन को मिले वो भी बताएं। ये भी सेना मेडल है, भारतीय मेडल। भारतीय सेना मेडल, सेना खेल मेडल, ये खेल मेडल फिर से आ गया। ये सब जो जगह है हमारे इतिहास को जिंदा रखी हुई है, अदरवाइज हम इतने मॉडर्न हो गए सब कुछ ही बुला दें। अंकल को देखो, अच्छा ये हल है देख, टाइप्स ऑफ हल्स किसानों का।
ट्रैक्टर का है, ये भी है, देख ये सब क्या है, म्यूजिक पार्ट आ गए हैं ना। ओह नाइस, इधर देखो संदूक, इसमें खजाना होगा। खाना पकाते हुए गुड़ है ना, गुड़ बना रहे ये कॉटन का काम कर रहे हुए। असली, हाँ शादी हो रहा है, असली लग रहा है ना, वो पंडित जी हैं। तो ये वाइफ कौन है, हस्बैंड कौन है? ब्लू वाला ये वाइफ है और घाघरा चोली वाला वाइफ है, और ये दोनों हमको लग रहा है गार्जियन होंगे। विशाल का दिल आ गया इस लड़की के ऊपर, विशाल प्रपोज करेगा। फोटो में ही प्रपोज करूंगा मैं। चल विशाल डांस करके दिखा दे। करके दिखा दे, करके दिखा दे, मैं कर भी दूंगा। धरोहर हमने विजिट कर लिया है, अब कहाँ चलना है विशाल? ज्योति सर, ज्योति सर चलो, ज्योति सर चलते हैं। ज्योति सर के बाद चले गए कृष्ण म्यूजियम। विशाल लॉक खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड करके लगाया भाई, लगाना पड़ता है यार। तो गाइस हम चल रहे हैं अब ज्योति सर की तरफ, और कैमरे की कमान है मेरे हाथ में, और ये मेरा दोस्त परीक्षित जो है ये साइकिल से आगे निकल गया। अरे 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 छोड़ के मत जा भाई, पीछे देख ले, पीछे। हाँ भाई देख लेना भाई, नहीं तो फिर गाइस ये है कल्पना चावला तारामंडल। गाइस हम आ चुके हैं कल्पना चावला तारामंडल, और वहाँ पे मेरा दोस्त परीक्षित जो है वो टिकट ले रहा है, तो देखते कितने की टिकट है और क्या क्या अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस ये है कल्पना चावला साइंस पार्क, ठीक म्यूजियम के पीछे। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं घूमने के लिए, और काफ़ी हरियाली है, काफ़ी सुंदर सा पार्क है। साइंस रिलेटेड यहाँ कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं कि आगे कुछ ना कुछ तो होगा।
हाँ साइंस से रिलेटेड कुछ कुछ जो है तथ्य लिखे हुए हैं जिनको बच्चे पढ़ सकते हैं। प्राचीन कैलेंडर, अर्ली क्लॉक्स, कैलेंडर का क्रमिक विकास। ये ज्योति सर 4 किलोमीटर गाइस हम पहुंचने वाले हैं। 4 किलोमीटर बहुत ही हमने मेहनत किया यहाँ तक आने के लिए। चलो आ गए ज्योति सर मंदिर आखिरकार। 2-3 टूरिस्ट प्लेस उठा दे। बहुत ही सुंदर मंदिर है और यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था ऐसा माना जाता है। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य मंदिर है, काफ़ी ऐतिहासिक। ये पेड़ लग रहा बहुत पुराना है, महाभारत के ज़माने का। अच्छा यहीं पे शायद गीता का ज्ञान मिला था अर्जुन को आदि गुरु शंकराचार्य। उसके बाद यहाँ आगे घूमने की काफ़ी जगह है यार। ये काफ़ी बहुत बड़ा और काफ़ी औसम बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण का जो एकदम विशाल रूप विशाल का। तो ये जगह है वहाँ पे एक रथ भी है और भगवान श्री कृष्ण भी और अर्जुन भी नीचे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जूम करके मतलब गणपति बप्पा ब्रह्मा विष्णु महेश सब है। ज्योति सर भी कंप्लीट हो गया गाइस। फ्रंट कर लेना एक बार वहां से क्या सेंड करना। अब चलते हैं डायरेक्ट चलते हैं कृष्ण म्यूजियम चलते हैं। गाइस अब हम लोग आ गए हैं श्री कृष्ण म्यूजियम में। उसके बाद हम चलेंगे कॉलेज। टिकट काउंटर, टिकट लेना पड़ेगा शायद। अच्छा वहाँ एक और टिकट काउंटर है। नहीं नहीं टिकट नहीं लेना है कि बंद हो गया। आगे कॉलेज गाइस, इसी के हमारा सफ़र होता है ख़त्म। ये रहा हमारा कॉलेज। देखो बेचारा बीच में बैठा हुआ है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बेचारा। आज कर रहा आ रहा हूँ मैं आ रहा आ रहा ये दो से तीन दांत बंद कर हम नहीं तोड़ेंगे। पुराना हो गया ट्रेंड, तोड़ेंगे कुछ नया करो दोस्ती तोड़ दो आप। वो दोस्ती कर छोड़ेंगे नहीं, अब छोड़ दो दोस्ती समझे। कुछ नया करो अबे ग्राउंड चले अबे नहीं भाई नहीं ग्राउंड। आज के लिए बहुत हो गया घूमना फिरना, आ चुके हैं अब थक गए काफी। कोई देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा। एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग and do like it, subscribe my channel, just do my best, though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out.